हेलो प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी, सामान्य हिंदी खंड के संस्कृत का अध्ययन करेंगे। इसमें तीसरा लेसन है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। चलो आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्री मुआश मैत्रेयी उदयाश्यन अहम अस्मातम अस्थान दशमी। ऋषि ज्ञानक्लव्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, मैं इस स्थान यानी गृहस्थ आश्रम से ऊपर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। ततस्य अन्या कात्यायन्या विच्छेद करवाणी इति। तो मैं तेरा इस यानी अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। इति मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यदीव सर्वा पृथ्वीन वित्तेन पुरणा स्या तत्की तेनाहमृता श्यामिति। मैत्रेयी बोली, पति, इस धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ? ज्ञानक्लव्य उवाच। ज्ञानक्लव्य ने कहा, नेति यानी नहीं। अगला है, यथैव उपकरणवता जीवन तथैव ते जीवन स्यात्। जैसा साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतवश्य तू नास्ति वित्तेन इति। धन से अमरता की आशा नहीं है। जैसे सभी धनवान लोग का अध्यात्म की ओर ध्यान नहीं है वैसे ही तुम भी हो। श्याम मैत्रेयी वाच, ये नाह नामृता श्याम की मह तेन कुर्याम। उस मैत्रेयी ने कहा, जिसमें मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर क्या करूंगी? यदेव भगवान केवल ममृत्यु साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। मेरे प्रिय, यदि आप अमरता की प्राप्ति के साधन को जानते हैं तो वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न शति त्वं प्रियं भाषे भाषसे एहि उपवेश व्याख्यास्यामि ते अमृत साधनम्। ज्ञानक्लव्य बोले, तू पहले भी मेरी प्रिय रही है और इस समय भी प्रिय बोल रही है, मुझे अच्छी लगने वाली बात कह रही है। आओ बैठो, मैं तुम्हें अमृत साधन की प्राप्ति का व्याख्या करता हूँ। या वगलक्य उवास ना वा अरे मैत्री। यज्ञवल्क्य बोले, अरि मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति। अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती अथवा प्रेम करती है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। अरे न ही पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी पति को प्रिय होती है। पुत्रश वितत्स च कामाय पुत्रो। और न ही पुत्र धन के लिए प्यारा होता है। कामाय पुत्रो वित्मा प्रियम भवती। पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवती। अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियम भवती। न ही सभी की कामना से सब प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सब प्रिय भवतु। अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। आशा यह है कि मनुष्य को जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है
वह दूसरों के सुख के लिए नहीं अपितु अपने ही सुख के लिए, अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे को सुख देना नहीं, केवल अपने को ही सुख देना है। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है। दृष्टव्य दर्शनात् श्रोतव्य सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है। निधि ध्याशी वयश्च, और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्व विदित भवति, आत्मदर्शन से ही इस सब का ज्ञान हो जाता है। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से ही सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।